आइए एक ऐसे क्यूब की बात करते हैं जो इनफाइनाइट है, जो खुलता रहेगा, कभी वो घनाभ बनेगा, कभी वो घन बन जाएगा, कभी क्यूब, कभी क्यूबॉइड, और इस तरह से ये बराबर चलता रहेगा। इसे बनाने के लिए आइए हम क्या करना है हम उसे समझते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं इसके अंदर 8 क्यूब बने हुए हैं, एक क्यूब में 6 पेपर लगेंगे, तो हमें अलग अलग रंग के 6-6 पेपर अलग अलग कलर के हमें लेने होंगे। 8 बनाने हैं तो 8-8 पेपर हमें 6 कलर के लेने होंगे। इस तरह से हम पेपर लेंगे और पेपर को किस तरह से बनाएंगे, जैसा हमने पहले एक क्यूब बनाना सीखा था ठीक उसी तरह का हम पेपर लेकर पहले उस पीस को बनाना समझते हैं। ये हमने स्क्वायर पेपर लिया, इसे बनाने के लिए हम छोटा पेपर लेंगे। मैं समझाने के लिए बड़ा पेपर ले रहा हूँ, आप जब बनाएंगे तो 10 सेंटीमीटर का पेपर लेंगे, 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। और इसे हमने पहला फोल्ड हमने ये सेंटर लाइन ये किया, और फिर सेंटर लाइन को मिलाते हुए दूसरा फोल्ड करेंगे, दूसरे साइड से सेंटर लाइन को मिलाएंगे, और पहले की तरह से जैसे हमने पहले ये बनाना बताया था उसी तरह से हमने ये फोल्ड किया, और इसे हमने इसके अंदर बंद कर देंगे। इस पीस को हम इसके अंदर बंद हो जाएगा। फिर दूसरे साइड से भी हम ऐसे ही करेंगे, ये हमने ये फोल्ड करेंगे और इस पीस को हम यहाँ बंद करेंगे। छोटा पीस जो बचेगा इसे भी हम अंदर की तरफ बंद करेंगे। यहाँ हम देखेंगे 4 पॉकेट आ जाएंगी, इसे पलटेंगे तो यहाँ हम कोई पॉकेट नहीं देखेंगे। इस चोंच को हम इस वाले मोड़ तक लाएंगे और लाने के बाद यहाँ प्रेस करेंगे। ठीक उसी तरह से दूसरे साइड की चोंच को भी हम उसी तरह से फोल्ड ओके ये प्रेस कर देंगे। ये हमारा एक पीस बन जाएगा। इस तरह के हम सभी कलर के 8-8 पीस बना लेंगे, और इन्हें किस तरह से जोड़ेंगे आइए समझते हैं। दो साइड में लेग है, दो साइड में लेग नहीं है, जिधर लेग नहीं है उस साइड से हम दूसरे पीस की लेग को पॉकेट में डालेंगे इस तरह से। ये हम क्यूब बनाना सीख चुके हैं, पहले से हमें क्यूब बनाना आता है, तो हम उसी तरह से हम ये क्यूब हम छोटे छोटे 8 क्यूब तैयार करेंगे। जब हमारे 8 क्यूब बन जाएंगे उसके बाद हम उनको जोड़ने के लिए अलग पीस बनाएंगे। ये हमने 48 पीस काटे हैं और 48 पीसों में हमारे 8 क्यूब बन जाएंगे। जैसा हमारा ये एक क्यूब बना है ठीक इसी तरह से हम 8 क्यूब बना लेंगे। इनके जॉइंट करने के लिए जो हम पीस बनाएंगे, पीस तो उसी तरह से बनेगा जैसे हमने उनका हमने क्यूब बनाने के लिए पीस बनाया है, लेकिन ध्यान ये रखना पड़ेगा उनके लिए हमने 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर का पीस लिया था, इसके लिए हम केवल 7 सेंटीमीटर चौड़ा 7 सेंटीमीटर साइज का हम दोनों तरफ से 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर काटेंगे और उसी तरह के पीस बनाएंगे। और जब हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो हम इन लैब को नहीं मोड़ेंगे, बल्कि क्या करेंगे हम एक मोड़ यहाँ लगाएंगे, बस यहाँ तक हम लगाकर 4-4 पीस ये 4 कलर के ये 4-4 पीस हमने 16 पीस बना लिए हैं। हमें 8 जगह जॉइंट करना है, एक जॉइंट में 2 पीस लगेंगे, तो हमने ये 8 पीस बना लिए हैं। आइए देखते हैं इन्हें किस तरह से हम जोड़ेंगे। इनको जोड़ने के लिए पहले हम इनको एक ही साइड से चेक करके इन्हें इस तरह से रख लेंगे। ये हमने एक जैसे साइड रख लिए हैं, हमने देखिए इधर से हम देखते हैं यहाँ से भी एक जैसी हैं, इधर से हम देखते हैं इधर से भी एक जैसी हैं। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे, एक जॉइंट हम इस तरह से यहाँ लगाएंगे। इनका जोड़ना ही महत्वपूर्ण है, ये 8 जगह से हमें जोड़ना है, एक हमने यहाँ जोड़ा है और इसके बैक साइड में ही यहाँ पर हम दूसरा पीस लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा अभी ये एक जॉइंट पूरा हुआ, उसी तरह से हम इसे रख देंगे, एक जॉइंट यहाँ पर हुआ ठीक इसी तरह से इस साइड पर भी हम दूसरा जॉइंट लगाएंगे। ये पीस हम इस पॉकेट में डालेंगे और एक पीस जैसे हमने पहले डाला था उस नीचे की साइड में पलट कर डालेंगे। ये हमने यहाँ डाल दिया और इन दोनों पीसों को पलटेंगे और एक पीस हम यहाँ पर लगाएंगे। ये हमने यहाँ से घुमा लिया और यहाँ देखते हैं हम इस पीस को, इसी तरह का पीस हम यहाँ लगाएंगे।
और ये लेग हमारी इधर आ जाएगी, ठीक इसी की बैक साइड में ऐसे घुमाकर यहाँ हम दूसरा पीस लगाएंगे। और इसे मोड़कर फिर हम उसी तरह से रख लेंगे। ये हमने इस तरह से किया था, ऐसे इसको उठा ले, इसको भी हम ऐसे कर लेंगे। यहाँ भी हम एक पीस यहाँ लगाएंगे, इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है, थोड़ी सी असावधानी से भी हमारा पीस कहीं से कहीं जुड़ सकता है, गलत जगह जुड़ सकता है, इसलिए बहुत सावधानी की ज़रूरत है। सॉफ्ट पेपर लेंगे, हार्ड पेपर की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ सॉफ्ट पेपर से हो जाएगा। ये हमने इस तरह से, ये दो जॉइंट हमारे ये हो गए, दो हम पहले कर चुके, चार जॉइंट हमारे हो गए हैं। जैसे हमने दो जॉइंट इधर लगाए हैं, इस साइड को हम ऐसे ऊपर करेंगे और एक जॉइंट यहाँ लगाएंगे और एक यहाँ लगाएंगे। इस पीस को मैं ऐसे यहाँ डालता हूँ, ये यहाँ डालता हूँ मैं, और इस पीस को ऊपर की तरफ करके इसकी जड़ में हम दूसरा पीस लगाएंगे। ये हमने लगा दिया और ये हमने लगा दिया। ये हमारा हो गया है। फिर इस वाले पीस पर हम यहाँ पर लगाएंगे, इसमें इस पॉकेट में डालेंगे, और इधर इस पॉकेट में डालेंगे। इस पीस को घुमाकर यहाँ की तरफ हम एक पीस और डालेंगे। इस तरह से हमारे ये छः जॉइंट पूरे हो गए हैं। अब दो जॉइंट बचे हैं, उसे देखते हैं दो जॉइंट हम किस तरह से लगाएंगे। देखिए अब हमने यहाँ तक जो है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जॉइंट हमने लगा लिए हैं। इस सारे पूरे को पलट लेते हैं, और पलटने के बाद यहाँ पर हम एक जॉइंट ये लगाएंगे और एक जॉइंट हम ये लगाएंगे, और इसे घुमाकर इनकी जड़ में दो जॉइंट हम ये कर देंगे। हर जॉइंट पर हम डबल पीस लगाएंगे। पीस हमने 16 बनाए हैं, जॉइंट हमारे 8 हुए हैं। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। और अब जब देखिएगा इसे हम इस तरह से यूँ खोलेंगे तो ये बराबर चलता रहेगा। ये एंडलेस क्यूब है जिसका कहीं एंड नहीं होगा।